अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहसिन रफा और आप लोग देख रहे हैं 24/7 टीचर ऑनलाइन। और हम लोग इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की एक क्लास ऑफ सीरीज हम लोगों ने शुरू की हुई है और उस सीरीज का आज हमारा तीसरा लेक्चर है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमने पिछले क्लास के अंदर जो है वो क्या किया था। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था हिस्ट्री ऑफ C++, वो क्या है, सी कब बनी और C++ कब बनी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और उनकी डिफरेंट कैटेगरीज कौन सी हैं। और उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि डेवलपमेंट इन्वायरमेंट फॉर C++, वो हमने देखा था कि डेव C++ जो है वो हमारे पास एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है फॉर राइटिंग द कोड ऑफ C++। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि हमने उस डेव C++ को डाउनलोड कैसे करना है और उसको हमने इंस्टॉल कैसे करना है। अलॉन्ग विद दैट हम लोग ये भी देखेंगे कि कोड ब्लॉक्स क्या है, हमने उसको डाउनलोड कैसे करना है, उसको इंस्टॉल कैसे करना है। और उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट सी का प्रोग्राम है वो कैसे लिखा जाता है। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने बात की कि आज हम लोग जो है वो ये देखेंगे कि हमने डेव C++ को डाउनलोड कैसे करना है। डेव C++ को डाउनलोड करने के मतलब बहुत सारे तरीके हैं। आप लोग अपने LMS के ऊपर जाइए, वहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। आप लोग गूगल पे जाइए, आप वहाँ पे फ्री डेव C++ डाउनलोड लिखेंगे तो आपको वहाँ से भी अवेलेबल है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक डायरेक्ट लिंक भी बता देता हूँ, https://filehippo.com/download और _dev-c। अगर आप लोग लिखते हो तो आपके सामने ये एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसमें डेव C++ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। इसी तरह स्टेप 2 के अंदर मैंने आपको दिखाया है कि ये जो ग्रीन कलर का आपको डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन ऑफ डेव C++ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे और आपके सामने जो है वो डाउनलोडिंग का आइकन आ जाएगा या स्टार्ट डाउनलोड। अगर आपने IDM इंस्टॉल किया हुआ तो स्टार्ट डाउनलोड का बटन आ जाएगा। आप जब इस पर क्लिक करोगे तो आप जो है डेव C++ को डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द फाइल हिपो वेबसाइट, फाइल हिपो की वेबसाइट से। जब आपके पास डेव C++ डाउनलोड हो जाएगा तो वो ऐसे आपके पास एक zip फॉर्मेट के अंदर आ जाएगा। अब हमने ये देखना है कि हम इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले तो आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। अगर आप लोगों ने WinRAR इंस्टॉल किया हुआ है तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसे कहेंगे जी एक्सट्रैक्ट हेयर। जब आप इसे एक्सट्रैक्ट हेयर कहेंगे तो एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपके पास कुछ ऐसी एक शेप आ जाएगी जिसमें डेव C++ और उसकी इंफॉर्मेशन मतलब उसका वर्जन 4.9.2 सेटअप फाइल लिखा हुआ है, इस तरह की एक फाइल आ जाएगी। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश सेलेक्ट करनी है और इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद हमारे पास जो है एक और ये डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है जी आई एग्री। आपने आई एग्री पे क्लिक करना है और फिर आपने यहाँ पे एक और नया बॉक्स आ जाएगा जिसमें आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और फिर आपने क्लिक इंस्टॉल पे क्लिक करना है, जिसके नतीजे में आपका जो डेव C++ का सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने इस पिक्चर के अंदर आपको दिखाया हुआ है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने फिनिश के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप लोग फिनिश के बटन पर क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप के ऊपर आपके सामने डेव C++ का इस तरह का एक शॉर्टकट आ जाएगा जिसके ऊपर ये एरो भी बना हुआ है जिसको हम डेव C++ का आइकॉन कहेंगे। तो इस तरीके से हम लोग अपना डेव C++ जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों,
डेव सी प्लस प्लस सिर्फ एक मतलब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी हमारे पास कई ऐसे मतलब डिफरेंट पैकेजेस अवेलेबल हैं जो हमें डेव सी प्लस प्लस की सहूलत देते हैं, और उनमें से एक हमारे पास जो है वो कोड ब्लॉक्स का है। और आगे चल के जब हम लोग अपना कोड लिखना शुरू करेंगे तो मैं आपको डेव सी प्लस प्लस के अंदर भी कोड लिख कर दिखाऊंगा, और आपको कोड ब्लॉक्स के अंदर भी कोड लिख कर दिखाऊंगा, और आपको ये फ़र्क बताऊंगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि डेव सी प्लस प्लस के अंदर भी मैंने काम किया है और कोड ब्लॉक्स के अंदर भी काम किया है। तो डेव सी प्लस प्लस जो है वो बिल्कुल एक लिमिटेड सा वर्जन है, और उसके साथ जो हमारा कोड ब्लॉक्स है, कोड ब्लॉक्स के अंदर आपको एक्सपेक्टेड जो आप कोड टाइप करना चाह रहे हैं तो वो आपको सजेशंस भी देता है कि आप ये टाइप, तो आप वहाँ पे बहुत कम टाइम के अंदर एक बहुत बड़ा कोड टाइप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कोड ब्लॉक्स क्या है और उसको हमने डाउनलोड कहाँ से करना है। कोड ब्लॉक्स को डाउनलोड करने के लिए आप कोड ब्लॉक्स की वेबसाइट पे जाएंगे, तो हमने लिखा http://codeblocks.org। जब आप इसको एंटर करोगे तो आपको ऊपर एक मेन्यू नजर आएगा, उसमें आप लोग डाउनलोड सेक्शन में जाओ। डाउनलोड सेक्शन में जाने के बाद आप वहां पे 26, या आप एक डायरेक्ट यूआरएल भी टाइप कर सकते हो, https://codeblocks.org/downloads और /26 लिखोगे तो आपके सामने एक कुछ ऐसा एक पेज डाउनलोड हो जाएगा। तो जब आपके सामने ये एक पेज डाउनलोड हो तो आपने इसमें से ये वाला मतलब फोर्थ नंबर वाला जिसके साथ लिखा हुआ है जी कोड ब्लॉक्स -17.12 MIN GW-setup.exe, इसकी डेट लिखी हुई है और आगे लिखा हुआ है जी फॉस हब आर फोर्स फॉर्ग डॉट नेट। तो आपने क्लिक करना है इसके ऊपर, और ये जो हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है फोर्स फॉर्ग डॉट नेट, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक और पेज ओपन होगा कुछ इस तरीके से, कोड ब्लॉक्स का, फोर्स फॉर्ग का, और हमारी जो डाउनलोडिंग है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। अगर हमने IDEM इंस्टॉल किया हुआ है तो हमारे पास ये स्टार्ट डाउनलोड का बटन आ जाएगा, और अगर हमने IDEM इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो हमारे पास वो ऑटोमेटिक डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जब हमारे पास ये कोड ब्लॉक्स का सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाए तो वो हमारे पास कुछ इस तरह का एक सेटअप की फाइल कोड ब्लॉक्स की आ जाएगी। हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसके ऊपर नेक्स्ट दिया हुआ, और यहाँ पे ये वेलकम टू कोड ब्लॉक सेटअप लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आगे हमारे पास लाइसेंस एग्रीमेंट है, इसको हम आई एग्री करेंगे। आई एग्री करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट विंडो आ रही है वह चूज कंपोनेंट, तो बाय डिफॉल्ट आपने वो कंपोनेंट सेलेक्ट किए हुए हैं, हमने इसको कुछ नहीं छेड़ना, ये उनकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, उसको हम नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद है चूज इंस्टॉल लोकेशन, तो ये भी मैंने बाय डिफॉल्ट जो आई है मतलब सी के ऊपर उसी को ही रहने दिया, और उसको इंस्टॉल के बटन पर क्लिक किया तो हमारे पास ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जब हमारा इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद हमसे वो पूछेगा डू यू वॉन्ट टू रन कोड ब्लॉक्स नाउ, तो हमने यस के ऊपर क्लिक करना है, और हमारे पास ये फिनिश का एक बॉक्स आएगा तो हमने उसमें फिनिश कर देना है। तो इस तरीके से हमारा कोड ब्लॉक का जो सेटअप है वो इंस्टॉल हो जाएगा, और उसके साथ ही हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर इस तरह का एक आइकॉन अपीयर होगा जिसके साथ लिखा हुआ होगा कोड ब्लॉक, और ये हमारा आइकॉन जो है इसके जरिए हम उस कोड ब्लॉक को रन करेंगे। तो ये था दोस्तों हमारे दो आई डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, एक डेव सी प्लस प्लस का, वो भी मैंने आपको समझाया कि आप लोग कैसे डाउनलोड करोगे और कैसे इंस्टॉल करोगे, और उसके साथ हमने कोड ब्लॉक्स को भी देखा कि हम उसको कैसे डाउनलोड करेंगे और फिर उसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो चलिए हम लोग, जैसे हमने बात की थी शुरू में कि हम आज की इस क्लास के अंदर अपना पहला जो हमारा सी का प्रोग्राम है वो भी देखेंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे ये हमारा सी का प्रोग्राम लिखा हुआ है, और उसमें हमने देखें यहाँ पे दिया हुआ है जी इंक्लूड
इंक्लूड के बाद आयो स्ट्रीम एंगल ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा हुआ है, और उसके बाद लिखा हुआ है जी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, उसके बाद हमने सेमी कॉलन लगाया हुआ है, और उसके बाद इंट मेन, मेन का ये हमारा एक फंक्शन है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट शुरू है, उसके बाद हमने लिखा है जी सी आउट एंगल ब्रैकेट लेफ्ट एंड लेफ्ट एंड, और उसके साथ ही हमने लिखा है जी वेलकम टू 24/7 टीचर्स ऑनलाइन सेमी कॉल इन्वर्टेड कॉमा आपको हमने क्लोज किया, एंगल ब्रैकेट लेफ्ट एंड लेफ्ट देन एंड एल लगाया, सेमी कॉलन लगाया, और फिर हमने लिखा रिटर्न 0, सेमी कॉलन लगाया और एंगल ब्रैकेट को बंद कर दिया। दोस्तों ये हमारा एक पहला सी का प्रोग्राम है जो हमें ये मैसेज प्रिंट करके देगा, वेलकम टू 24/7 टीचर्स ऑनलाइन। ये हमने मतलब एक पहला प्रोग्राम लिखा। दोस्तों अगली क्लास के अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी मेन सी आउट और ये सारी चीज़ें क्या हैं, मतलब हम अपने पहले प्रोग्राम के ऊपर विद इन डिटेल बात करेंगे, और साथ हमने जो आज अपने दो इन्वायरमेंट इंस्टॉल किए हैं डेव सी प्लस प्लस का और कोड ब्लॉक्स का, उनके अंदर मैं आपको ये लाइव लिख कर भी दिखाऊंगा और फिर इसकी आउटपुट भी दिखाऊंगा कि ये हमारे पास कैसे आउटपुट आएगी वेलकम टू 24/7 टीचर्स ऑनलाइन। तो अगली क्लास तक के लिए हम देख लेते हैं कि आज की इस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है। दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर हमने ये देखा कि डेव सी प्लस प्लस हमने डाउनलोड कैसे करना है, फिर हमने उसको इंस्टॉल कैसे करना है, उसके साथ हमने ये भी देखा कि हमने कोड ब्लॉक्स को कहाँ से डाउनलोड करना है और फिर उसको इंस्टॉल करना है, और आखिर में हम लोगों ने ये देखा कि हमारा जो फर्स्ट सी का प्रोग्राम है वो जिसके अंदर हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं वेलकम टू द 24/7 टीचर्स ऑनलाइन, वो कैसे लिखा जाएगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि हमने इसको अपने उस सॉफ्टवेयर के अंदर लाइव कैसे लिखना है, और फिर मैं आपको उसकी आउटपुट भी दिखाऊंगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है आप उन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और इसी तरह अपना फीडबैक देते रहिए ताकि मैं और बेहतर से बेहतर वीडियोज़ बना सकूँ। और आपको अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।